हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हेयर फॉल की रोकथाम के लिए हम कढ़ी के पत्तों से हेयर ऑयल कैसे तैयार करना है वो देखेंगे। इस हेयर ऑयल में यूज़ किए जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं आपकी किचन में। इतना ही नहीं, इस हेयर ऑयल को बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। तो देर किस बात की, आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है कड़ी पत्ता। देख के घबराइएगा नहीं, इतना सारा आपको बल्क अमाउंट में नहीं चाहिए, सिर्फ हैंडफुल ऑफ लीव्स भी काफी है इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कड़ी पत्ता ले और इसे धोकर अच्छे तरीके से साफ कर ले और थोड़ा सा ड्राई कर ले। सन ड्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने हाँ इसे जल्दी थोड़ा करने के लिए थोड़ा सा सन ड्राई किया था, बट आप इसे फैन के नीचे रख के भी थोड़ा सा सुखा सकते हैं। फिर आपको लेना है एक हैवी बेस वाली कढ़ाई, जिसमें आप डालेंगे लगभग 1/4 के करीब कोकोनट ऑयल। अगर आप नारियल तेल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी तेल जैसे कि ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गैस को रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब इसमें डालेंगे लगभग 15 से 20 कढ़ी के पत्ते। मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, बस एक अंदाजे के हिसाब से हाफ मुट्ठी जैसी होती है वैसे ही। यहाँ मैंने 1/4 कप नारियल का तेल लिया है। तो जिस रेशियो में आप बनाना चाहें, सपोज आप एक कप के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं तो मुट्ठी भर कड़ी पत्ता लगेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/4 चम्मच मेथी दाना यानी फेनिग्रिक सीड्स। और आखिरी में हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 टीस्पून कलौंजी सीड्स, इसे हम निचेला सीड्स भी कहते हैं। इन तीनों ही इन्ग्रीडियंट्स को लगभग 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, फिर गैस बंद कर दें। तो ये देखिए करी लीव हेयर ऑयल बनके तैयार है। बस इसे किसी कंटेनर में रखने से पहले इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने दें, फिर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। हेयर ऑयल को कंटेनर में स्टोर करने से पहले आप एक सेपरेट बोल लें और उसमें एक छन्नी की मदद से पहले उस ऑयल को छान लें अच्छी तरीके से, फिर उसको किसी भी एयर टाइट बॉटल या कंटेनर जो भी है आपका, आप उसमें स्टोर करके रखें। और ये स्टोर किया हुआ हेयर ऑयल कम से कम 2 से 3 महीनों तक अच्छा चलता है। बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप इस स्टोर किए हुए हेयर ऑयल में मॉइस्चर ना आने दें बस। अच्छा, आप पता कैसे करेंगे आपका हेयर ऑयल अच्छे से बना है या नहीं? वेरी सिंपल, आपको करना क्या है, जो आपने लीव्स डाला है हेयर ऑयल में बन जाने के बाद, बस आपको हाथों में हल्के हाथों से लेकर इसे मलना है और देखना है कि ये क्रिस्पी होकर टूटता है या नहीं। अगर ये अच्छे तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है तब इसका मतलब ये है कि ये हेयर ऑयल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और साथ ही आपके जो कड़ी पत्ते हैं वो एकदम अपना कलर चेंज कर लेंगे, डार्क हो जाएंगे। दोस्तों, इस कड़ी पत्ते के हेयर ऑयल को जरूर ट्राई करें। ये हेयर ऑयल आपके हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को हेल्दी बनाता है और शाइन भी देता है। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक एक्साइटिंग रेमेडी के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।